नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुख करते हैं आज की हेडलाइंस पर। विरसा के पास एक फोर व्हीलर से पौने 2 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त। 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर भाग रहा था इनोवा चालक। पुलिस ने वाहन को रोक कर ली तलाशी तो 2.25 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर थे इनोवा में। आजाद चौक के पास बुलेरो से भिड़ी स्कूल वैन, आधा दर्जन बच्चे घायल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 18 फरवरी को होगी प्रारंभिक परीक्षा। 21 परीक्षा केंद्रों में करीब 10,000 परीक्षार्थी आजमाएंगे भाग्य। प्रशासन ने बनाए 6 उड़नदस्ता टीम। परसवाड़ा के पास पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में छात्रों की उमड़ रही भीड़। एयरो मॉडल कार्यशाला में छात्रों ने एयरक्राफ्ट बनाकर आसमान में उड़ाए। किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने सिखाई कृषि की तकनीक। रेत का अवैध परिवहन कर रहे 4 वाहन जब्त। और स्टेट बैंक में लिंक फेल होने से परेशान होते रहे ग्राहक। और अब समाचार विस्तार से। दुर्घटना कारित कर भाग रहे एक 4 पहिया वाहन में करीब 2.25 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात मिले हैं, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को विरसा क्षेत्र के अंतर्गत कैडा टोला चौराहे पर इनोवा वाहन MP50BC1022 के चालक द्वारा 2 मोटरसाइकिल सवार को घायल कर दिया गया। घायलों में एक होमगार्ड सैनिक था। 2 लोगों को घायल करने के बाद भाग रहे इनोवा वाहन को पुलिस द्वारा पकड़कर बिरसा थाना लाया गया। यहां वाहन में 2 बड़े बैग दिखने पर गाड़ी की पूरी तलाशी ली गई, जिस पर बैग में बड़ी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात पाए गए। बैग में 4 किलो 276 ग्राम सोने और 102 किलो चांदी के जेवरात पाए गए। इन जेवरातों से संबंधित दस्तावेज वाहन मालिक द्वारा नहीं दिखाए जाने पर पुलिस द्वारा समस्त जेवरातों को जब्त कर लिया गया। बताया गया है कि यह जेवरात और वाहन छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव निवासी मोहनलाल जैन के हैं। श्री जैन द्वारा बताया गया है कि वह सोने चांदी का व्यापारी है। यह जेवर और वाहन उसी के हैं। जब इन जेवरातों का तौल किया गया कि पूरे जेवरात की अनुमानित कीमत लगभग 2.25 करोड़ रुपए है। इस मामले में चर्चा करने पर पुलिस अधीक्षक अमित सांघी ने बताया कि यह वाहन राजनंदगांव के एक ज्वेलर्स मोहनलाल जैन के बताए गए हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किए गए। इस पर 102 CRPF के तहत जेवरात जब्त कर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही आयकर विभाग को इसकी जानकारी देकर वेरीफाई करने कहा गया है। आपको बता दें, पिछले वर्ष दशहरा के बाद रजेगांव चेक पोस्ट पर भी लाखों के जेवरात एक वाहन से पकड़ाए गए थे। बाद में वाहन, जेवर और जिनके पास से जेवर बरामद हुए थे उन्हें छोड़ दिया गया था। कल राजनांदगांव की तरफ से एक इनोवा गाड़ी आ रही थी और इनोवा गाड़ी से एक पब्लिक के आदमी का और एक होमगार्ड सैनिक का एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट पे इस इनोवा गाड़ी को जब बिरसा थाने लाया गया और इस पे कार्रवाई की जा रही थी, तो तभी उसमें कुछ संदिग्ध बैग से दिखे और इस पे थाना प्रभारी और अन्य स्टाफ द्वारा जब पूरी तरह से तलाशी ली गई तो इनोवा गाड़ी में 102 किलो चांदी और 4 किलो 276 ग्राम के लगभग सोना मिला, जिसकी कीमत लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए होती है। और इस गाड़ी में राजनांदगांव के एक ज्वेलर थे मोहनलाल जैन, उनसे पूछे जाने पर कोई दस्तावेज उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए और चूंकि इतनी बड़ी मात्रा ज्वेलरी की थी तो इस पे 102 CRPC के तहत इसको जब्त करके इसमें कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही इनकम टैक्स विभाग में भी बात हुई है कि वो भी आके इसको वेरीफाई कर दें। क्या लगता है सर, ये तस्कर से संदर्भित हो सकता है? अब ये तो छानबीन से ही पता चलेगा और इसमें दूसरी एजेंसीज को भी हम खबर करना है, पर चूंकि इतनी बड़ी मात्रा है तो ये कहीं ना कहीं ये एक असामान्य सी बात इसमें निश्चित तौर पे दिख रही है और ये जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा तभी पता चलता है। प्रथम दृष्टिया क्या क्या कह सकते हैं सर, इतनी मात्रा में यहाँ से जाना होगा? जो इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें सेल्स टैक्स की चोरी होती है, एक्साइज की चोरी होती है, इनकम टैक्स की चोरी होती है, तमाम तरह की चीज़ें इसमें जुड़ी हुई रहती हैं। तो जितनी एजेंसीज हैं उनको तो हम खबर कर ही रहे हैं और अब ये इनको इनके ऊपर रहेगा कि ये अपना कोर्ट में प्रूफ करें कि ये हमारा जो सामान है सही है गलत।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 18 फरवरी रविवार को राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2018 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए जिले में कुल 21 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं परीक्षा दो सत्रों में आरंभ होगी। पहला सत्र सुबह 10 बजे से 12 बजे और दोपहर 2:15 बजे से दोपहर 4:15 बजे तक संचालित की जाएगी। परीक्षा की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से 6 उड़नदस्त दल बनाए गए हैं, जो परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर नजर बनाए रखेंगे। वहीं तमाम परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा में प्रवेश को लेकर कड़े नियम तय किए गए हैं। अभ्यर्थी परीक्षा में मोबाइल पर्स नहीं ले जा पाएंगे। वहीं जूतों तक पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं महिला अभ्यर्थी भी कंगन सहित अन्य गहने और पर्स को परीक्षा हॉल में नहीं ले जा पाएंगी। इस परीक्षा के संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। कल पीएससी एग्जाम की दो पालियों में परीक्षा है। हमको पीएससी इंदौर से जो निर्देश मिले हैं और यहाँ जिला प्रशासन उसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो उनसे प्राप्त समस्त निर्देशों के अनुसार बैठक व्यवस्था की गई है, इन्विजिटर्स लगाए गए हैं और उसके अलावा उन्होंने जैसा कहा सामग्री के लिए एक अलग से रूम रखें और उसमें व्यवस्था करें, वो भी किया गया है। टोटल बालाघाट में 21 सेंटर हैं। 21 जी। अच्छा सर, इसमें जो अभ्यर्थी है के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं, क्या है? एक तो मुख्य रूप से ये है कि किसी भी प्रकार के जो ऑर्नामेंट्स हैं जो महिला आवेदक हैं या परीक्षार्थी हैं, शूज़ नहीं पहनेंगे, किसी प्रकार के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनेंगे, मोबाइल तो स्वाभाविक रूप से अलाउ नहीं है, है ना, वॉलेट वगैरह भी नहीं रखना है। तो ये सब पुलिस प्रशासन के लोग यहाँ रहेंगे और वो सब इसकी चेकिंग करेंगे। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद भोपाल और जिला प्रशासन के सहयोग से नगर के मुलना स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में प्रतिदिन विज्ञान से जुड़ी हुई अनेक गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस विज्ञान मेले में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। शनिवार को एयरो मॉडल कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए दी गई सामग्री से प्लाई के एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। वहीं इन एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ाकर एक अलग ही अनुभूति की। अप्लाई करते हुए सबसे पहले दो पार्ट लिए, उन दोनों में लेफ्ट और राइट लिखा, उसके बाद उनके पार्टों के जो मतलब ये नीचे ये किनारे का जो हिस्सा है तो इस तरह से किसे ये दोनों को मतलब चिपकाने में जो आसानी हो ताकि वो उसको प्रॉब्लम ना हो चिपकाने में, और फिर ये वाला मतलब जो ये वाला है उसको लेने पर इसको उसके बाद इसके नीचे वाला भाग फिर से चिपकाने इस विज्ञान मेले में किसानों को नई तकनीक से रूबरू कराने के लिए कृषि कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अपनी अहम भूमिका अदा की। आनंद मार्ग प्रचारक संघ बालाघाट के नेतृत्व में शनिवार को सरस्वती नगर में स्थित गुरु नानक पब्लिक हॉल से कीर्तन शोभा यात्रा निकाली गई, जो कि नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण कर आयोजन स्थल में सम्पन्न हुई। आपको बता दें कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ के द्वारा गुरु नानक पब्लिक हॉल में 3 दिवसीय आनंद मार्ग योग साधना शिविर का आयोजन किया गया है। कुनबी समाज की बैठक शनिवार को आयोजित की गई। समाज के जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 19 फरवरी को भोपाल में आयोजित कुनबी समाज के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर चर्चा की गई। वहीं 25 फरवरी को बालाघाट में मनाई जाने वाली शिवाजी जयंती कार्यक्रम के संबंध में भी विचार विमर्श किया गया। Yeah.
प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का प्रोग्राम जो है बालाघाट शहर में 25 फरवरी को मनाया जा रहा है और 19 फरवरी को मध्य प्रदेश के मुख्यालय और प्रदेश की राजधानी भोपाल में अखिल भारतीय कुर्मी कुनबी पाटीदार समाज द्वारा छत्रपति शिवाजी की जयंती मनाई जा रही है। उसके लिए भी बालाघाट जिले से अधिक संख्या में लोग भोपाल पहुँच रहे हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश से लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। हमारा बालाघाट जिले का जो कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होता है वो 25 फरवरी को रविवार को 12 बजे से कमला नेहरू महिला मंडल हॉल में सारे समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं। वहाँ से शिवाजी महाराज की एक झांकी और रथ शहर के भ्रमण के लिए हनुमान चौक मेन रोड होते हुए वापस कमला नेहरू महिला मंडल पहुँचेगा और वहाँ पर हमारे समाज कि जनप्रतिनिधिगण और सभी लोग मिलकर जयंती कार्यक्रम का जो मंची कार्यक्रम होगा वो संपन्न। भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में शनिवार को सर्वर डाउन होने से यहां पहुंचे उपभोक्ता परेशान होते रहे। बताया गया है कि बैंक में सर्वर डाउन होने की समस्या शुक्रवार से है जो शनिवार को भी दिन भर जारी रही। इससे बैंक पहुंचे कुछ लोग तो कुछ देर रुककर समस्या दूर होने का इंतजार करते रहे, फिर निराश होकर वापस लौट आए, जबकि अनेक लोग शाम तक आस लगाए बैठे रहे। बैंक पहुंचे उपभोक्ता धन्नू कावरे ने बताया कि वे नई पासबुक लेने आए थे लेकिन काम नहीं हो पाया। इसी तरह बैंक पहुंचे एक वृद्ध ग्राहक बुधराम बाघोड़े का कहना है कि वे पेंशन के लिए शाम तक इंतजार करेंगे। वहीं जाम खैरगांव निवासी धर्मचंद भी लिंक फेल होने की वजह से परेशान होते रहे। अच्छा, आज काहे के लिए आए थे यहाँ पे आप? पेंशन के लिए। कितने बजे से आए थे? 11:30। तो क्या बोल रहे हैं अभी यहाँ पे? बैंक बंद। तो आज पहला ही दिन आए थे कि और भी आए थे पहले? आज पहले दिन। कितने लोग आए थे आपके साथ में? दो जन। तो दोनों जन का काम नहीं हुआ? आप कब तक वेट करोगे आप? देखते हैं फिर चले जाओगे। क्या नाम आपका? राम। लिंक फेल होने परेशानी हो रही है क्या आपको? अभी क्या परेशानी हो रही है? परेशानी 11:30 बजे से आए, लिंक चालू रही थी, पैसा मिल जाता तो घर चले जाते, तो दूसरे काम हो जाते घर। जी धन्यवाद भैया। जैसे कि अभी आप बैंक में आए हुए थे, क्या काम के लिए आए थे? आपका काम हुआ क्या? नया पासबुक जारी करना हुआ। अच्छा, कितने दिन से आ रहे हो आप? 2-3 बार हो गया उससे आते हुए। तो क्या कह रहे हैं अभी? अभी तो लिंक फेल होने बता रहा कल से। तो आपके काम प्रभावित नहीं हो रहे जैसे 3 दिन से आ रहे हैं आप? ना सर, अभी स्टेटमेंट की जारी थी तो पासबुक की एंट्री नहीं हो पाई है उसमें से। अच्छा, SBI की मेन ब्रांच है यहाँ, ऐसी स्थिति है और आप लोग 3 दिन से चक्कर, तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए यहाँ पे? अच्छा सर, ऐसा है कि ग्राहक आपके पास आ रहा है तो आपका काम पूरा करके देना चाहिए। लिंक नहीं आया होने के कारण। तो कब से आए हुए आप? हो गए ना 2 घंटे पहले। तो अभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? यहाँ बोल रहे हैं कि ऐसा है कि भी लिंक नहीं है बोल रहे हैं। अब कब तक वेट करना पड़ेगा आपको ऐसा कुछ? अब जब तक के लिंक रहेगा तब तक। उससे क्या कुछ परेशानी हो रही है आपको? परेशानी क्या, अब वही परेशानी है ना वेट करने की। कहाँ से आए आप? जाम खैरगांव। जाम से? हाँ, जाम खैरगांव से। इस मामले में स्टेट बैंक के मुख्य प्रबंधक प्रदीप कुमार दुबे का कहना है कि बैंक में सर्वर डाउन की समस्या शुक्रवार शाम से है जिसको लेकर सुधार कार्य किया जा रहा है, जल्द ही समस्या दूर हो जाएगी। और अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें, देखते रहिए बदमिश न्यूज।
दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की, या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी की, लाल बर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की ओर। फेसबुक में हिंदू देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक पोस्ट डालकर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में कटंगी पुलिस ने पाथरवाड़ा निवासी अंकित राजकुमार मेश्राम के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह शिकायत ग्राम कामठी निवासी सुमित भगत द्वारा पुलिस को दी गई। बताया गया है कि अंकित मेश्राम द्वारा शिवलिंग पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है। आगामी चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। शनिवार को भाजपा पदाधिकारियों ने बूढ़ी में लोगों के घर घर जाकर उन्हें भाजपा की रीति नीति से अवगत कराया। नगर के आजाद चौक के पास सड़क हादसे में स्कूल वैन में सवार करीब आधा दर्जन छात्र घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल और निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इस सड़क हादसे में नर्मदा नगर निवासी अथर्व त्रिपाठी को काफी ज्यादा चोट आई है, वहीं अन्य छात्रों को भी चोटें आई हैं, जिनका जिला अस्पताल में उपचार कराया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 2:30 बजे स्कूल वैन छात्रों को केंद्रीय विद्यालय से लेकर प्रभुत्तम नगर की ओर जा रही थी। गोंदिया रोड के पास एक बुलेरो वाहन के द्वारा अचानक ब्रेक लगाने पर स्कूल वाहन बुलेरो वाहन से टकरा गया। इससे स्कूल वैन की सामने की सीट पर बैठा छात्र अथर्व कांच से टकराते हुए आगे की ओर गिर गया। वहीं अन्य छात्र भी घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं अथर्व को उसके परिजनों ने तत्काल पारधी नर्सिंग होम ले गए, जहां चिकित्सकों द्वारा घायल छात्र का त्वरित इलाज किया गया। इस संबंध में छात्र के परिजन विवेक त्रिपाठी ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी मिलने पर वे बालाघाट पहुंचे हैं। उनके बेटे अथर्व को काफी चोटें आई हैं। इस मामले में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। एक्सीडेंट, मैं तो घर पे ही था, फोन आया मुझे कि एक्सीडेंट हो गया है बच्चे का और यहाँ आ जाइए, तो वैसे ही मैं तत्काल यहाँ पहुँचा। अभी क्या देख रहे हैं सर, कैसे? काफ़ी चोट लगी है उसके सिर में, माथे में और कमर में, हाथ में काफ़ी चोट लगी हुई है, ब्लड काफ़ी निकल रहा है। अब वो अभी यहाँ पे लोगों ने बताया कि काफ़ी भरी हुई थी वैन और उस टाइप से। बाकी ऐसे तो सवेरे आता है तो 2-4 बच्चे रहते हैं, तो उनको आइडिया नहीं रहता कि इतना भर के ले जाते हैं। वहीं चिकित्सक केसी पार्थी ने छात्र की मौजूदा स्थिति के विषय में जानकारी दी। बच्चा अथर्व त्रिपाठी है, 8 वर्ष उम्र है बच्चे की। वैन में सामने बैठा हुआ था और जो जिन लोगों ने इसे लाया है उन्होंने बताया कि वैन की कांच तोड़ के बच्चा बाहर निकल गया एक्सीडेंट के दौरान। तो बच्चे को सर में, चेहरे पर, हाथ पर और कूल्हे पर चोट आई है, कटे भी घाव है, खरोच है, उसका इलाज अभी हम लोग दे रहे हैं। स्थिति क्या है सर अभी बच्चे की? स्थिति अभी तो बच्चा रो रहा है, घबराया हुआ है, स्थिति को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि चोटें ऊपर हैं, अंदर बड़ी चोट अभी समझ में नहीं आ रही है, पर ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा कुछ लगेगा तो देखेंगे। वहीं जब इस घटना के संबंध में केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती डोलारे से चर्चा की गई तो उन्होंने इस घटना को लेकर अनभिज्ञता जाहिर की। कैसी घटना घटी कुछ नहीं पता, हम तो जानने के लिए आए हैं। तो मैडम, आप लोगों ने पहले पता नहीं किया था कि यहाँ पे कितने बच्चे ले आते हैं वैन में? स्कूल का पता करते हैं, रास्ते का हमें कैसे पता पड़ेगा? वैन में कितने बच्चे आते हैं? हमारे उसमें नहीं है सर, हमें पता करने जा रहे हैं, उसी लिए निकले हम लोग। विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति के 47 लोगों को नौकरी देने के 2 वर्ष बाद ही उन्हें नौकरी से निकाल दिए जाने से इन लोगों में भारी आक्रोश है। इसी आक्रोश को दर्शाते हुए और फिर से नौकरी वापस दिए जाने की मांग को लेकर ये 4 लोग कलेक्ट्रेट के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। शनिवार को इनकी भूख हड़ताल का 2रा दिन था। भूख हड़ताल पर बैठे इन लोगों का कहना है कि अभी तक उनकी कोई सुध नहीं ली गई है। आज कितने लोग भूख हड़ताल पर बैठे? आज हम 4 लोग। कल कितने समय से बैठे हो? कल हम 11 बजे से बैठे। कल 11 बजे जैसे बैठे और अभी 2-3 बजते आ रहा है, अभी तक क्या शासन का कोई
प्रतिनिधि आपसे मिलने आया, चर्चा करने आया? अभी तक के शासन का कोई भी प्रतिनिधि नहीं आया। कोई भी मिलने नहीं आया जी? क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं आया होगा? उनके अनुसार कुछ लोग कह रहे हैं कि आज थर्ड सैटरडे और कल शायद पूरे अधिकारी लोग जबलपुर मीटिंग में गए होंगे। अगर जब तक कोई नहीं आएगा या आपकी सुनवाई तब तक अनवत आप बिल्कुल हम जब तक कोई अधिकारी हमसे बात नहीं करेगा और इनकी मांग हमारी मांग मानेंगे नहीं तब तक हम यहाँ से उठेंगे। जैसे कि आज चार लोग बैठे हैं और इसमें और बढ़ सकते हैं जो भूख हड़ताल वाले 47 लोग हैं यहाँ टोटल, उनमें आएंगे सब लोग। चारों ने अन्न वगैरह ग्रहण किए कि नहीं? अभी किसी प्रकार कोई खाना पीना नहीं, निर्जल जीवन जी। अगर डॉक्टर टीम की बात करें तो कोई डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग से नहीं कोई नहीं, पुलिस विभाग भी नहीं आया, डॉक्टर भी स्वास्थ्य विभाग से भी कोई नहीं आया। ठीक है, रात्रि को भी आप यहीं जी यहीं रहते हैं? क्या नाम आपका? वारासिवली में सड़क निर्माण कंपनी द्वारा सड़क निर्माण के दौरान पोल शिफ्टिंग का कार्य किया जा रहा है। 17 फरवरी को पोल शिफ्टिंग के दौरान नल की पाइपलाइन फूट गई जिससे पूरे क्षेत्र में पानी बहता नजर आया, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा पाइपलाइन सुधार कार्य नहीं किया गया। यहाँ पे रामराज कंपनी द्वारा पोल शिफ्टिंग की जा रही थी जिसकी उनकी मशीन से पाइपलाइन लीक हो गई है। जब रामराज वालों से चर्चा की गई तो रामराज वालों ने बताया कि हमने नगर पालिका कर्मचारी को नल विभाग जो संभालता है पाइप विभाग उसको हमने कम से कम 4 से 5 बार फ़ोन करे लेकिन वो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे नहीं आया। आप पार्षद हो तो आपने भी फ़ोन किया था? हाँ, मैंने भी फ़ोन किया था। मैं यहाँ जैसे मेरे को पता पड़ा कि पाइपलाइन फूट गई है, मैं यहाँ पहुँचा, मैंने यहाँ से भी फ़ोन लगाया उनको, लेकिन पार्षद जी जो ये प्रभार संभाल रहे वो यहाँ पर नहीं पहुँचे। फिर भी मैंने ठेकेदार के द्वारा लिखित में ले लिया गया वो दस्तखत। इसके लिए क्या है कि जब पाइपलाइन जब फूटी तो उसके लिए फ़ोन लगाया गया, अध्यक्ष जी को भी फ़ोन लगाने का प्रयास किया गया दूरभाष पे, लेकिन उन्हें फ़ोन नहीं उठाए। और पारसर जी है उनको कम से कम 4 से 5 बार फ़ोन लगाया, बात भी हुई मेरी उनसे एक बार, उनने बोले हम आ रहे हैं और देख रहे हैं करके, जिसको अभी तक के 6:30 बजे तक के यहाँ पे कोई भी नहीं पहुँचा, पानी बह रहा है। गवर्नमेंट पानी बचाने का बोलो ये घर घर जाके ये संदेश दे रही है कि नल पानी कम उपयोग में लिया जाए, पानी की बचत किया जाए। वारासिवनी में वन मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई इस एक दिवसीय कार्यशाला में रेशम, लाख, हाथकरघा के व्यवसाय से संबंधित जानकारी दी गई। पक्षी तो आपने देखे बहुत सारे हैं, लेकिन वो ज्यादा नहीं उड़ सकता, ठीक है ना? हमारा जो काम है यहाँ पर जो जंगल में तसर रेशम के नाम से जाना जाता है, जो उष्णकटिबंधीय मतलब गर्म इलाके में इसके पेड़ पौधे मिलते हैं। ये दो तरह का होता है तसर, एक ओक में हाई अल्टीट्यूड मतलब ठंडे प्रदेशों में, और जहां आप बैठे हैं ये गर्म एरिया आती है, इसको गर्म इलाके वाला या उष्णकटिबंधीय के नाम से जाना जाता है। इसके मुख्यतः जो पेड़ पौधे जो बताए मैंने, अर्जुन और अशन है। अर्जुन तो आपका नदी तालाबों के किनारे पाया जाता है। चौधरी साहब ये बता देंगे ये अर्जुन का जो झाड़ है और किन किन चीजों में उपयोगी होता है जो इनके लिए एंटीबायोटिक सिद्ध होता है? बिल्कुल इसके बारे में भी बताएंगे। किस विभाग के संबंध इसका मुख्य उद्देश्य था कि वन समितियाँ, वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी ये लोग की बौद्धिक क्षमता का विकास करना, इसमें जुड़े हुए आज तीन, एक तो सर्वप्रथम लाख के संबंध में बताया गया कि पलाश के वृक्षों पर कैसे लाख डाली जाती है और उससे क्या फ़ायदे होते हैं और उससे रोजगार के क्या साधन बढ़ेंगे, आय का स्रोत क्या बढ़ेगा। उसी प्रकार से द्वितीय चरण में रेशम के बारे में बताया गया कि रेशम के कीड़े से कैसे अपने को बुनकर के रूप में साड़ियाँ बनाई जाती है और उससे क्या फ़ायदे होते हैं, कितना मतलब उनको प्रोत्साहन मिलेगा, आय का साधन का बढ़ेगा उनका। तो सर प्रशिक्षण को कौन कौन प्राप्त किया अभी यहाँ पर? इसमें समस्त वनमला था, हमारे वनमंडल स्त्री कार्यशाला थी आज की, और दक्षिण वनमंडल बालाहाट सामान्य के अंतर्गत 10 परिच्छेद आते हैं जिसमें पूर्व लांजी, पश्चिम लांजी, किरनापुर, हट्टा, लौगूर, बालाहाट,
लालवर्रा कटंगी खैरलानी वाराणसी यहाँ के समस्त परीक्षा कर्मचारी मौके पर आए और प्रत्येक परीक्षा से 10 समिति सदस्य अध्यक्ष। वारासिफ्टी में शनिवार को कलार समाज की बैठक हुई। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल और कलार समाज के जिला अध्यक्ष राकेश सेवईवार की प्रमुख उपस्थिति में हुई इस बैठक में आगामी समय में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के संबंध में चर्चा की गई। यह सामूहिक विवाह कार्यक्रम कलार समाज के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। हमारे कलार समाज की जो बैठक हुई उसमें हमारे जिला अध्यक्ष भाई राकेश सेवावाल जी, सचिव भाई नीलू जी और हमारे वारासुनी कलार समाज के अध्यक्ष भाई सुनील जायसवाल जी और सभी हमारे जो समाज के पदाधिकारी हैं यहाँ पर उपस्थित हुए। पूरे जिले में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन 24 अप्रैल को किया गया, पिछले वर्ष भी किया गया था जिसमें 53 जोड़ों ने जो कि लड़ाई कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे। इस बार समाज का जो टारगेट लक्ष्य है वो 200 जोड़ों पर मुलाकात करना है जिसमें कलार समाज के अलावा अन्य समाज के लोग हासिल करना है। ऐसा एक प्रकार से भव्य कार्यक्रम जो है बालाघाट में 24 अप्रैल को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज मुख्य उद्देश्य क्या है सामने के? इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे जो गरीब हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं एक तो उनको सहायता शासन के द्वारा भी इसमें हो जाती है और कम खर्चे में उनके विवाहिक कार्यक्रम पड़ जाता है। और इसके अलावा दूसरा मुख्य उद्देश्य यह है कि जो शादियों में खर्च करके जो आडंबर किया जाता है अत्यधिक खर्च किया जाता है उससे हमारे अन्य जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं छोटे वर्ग के लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा निराशा आती है। एक प्रकार से सामाजिक संभाव का प्रदर्शन करने के लिए सामाजिक संभाव का संदेश जाए और आडंबर में जो खर्च किया जा रहा है उसको कला समाज द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामाजिक विवाह होने जा रहा है जिसमें हमारे लाडले नेता वारासिनी क्षेत्र के पूर्व विधायक गुड्डा जायसवाल जी हमारे नेतृत्व कर रहे हैं वहाँ पे बालाघाट में। और वैसे ही हमने आज यहाँ पे एक बैठक रखे थे जो संपन्न हुई और गुड्डा जायसवाल जी के माध्यम से यहाँ संपन्न हुई, तो हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष है सोनू जायसवाल जी उनके माध्यम से हुई। इनके तरफ से भी हमको आश्वस्त किया गया है कि यहाँ से ज़्यादा जोड़े जो बालाघाट में सामूहिक विवाह हो रहा है उसमें दिया जाएगा और हम समाज के साथ साथ हर अन्य समाज को भी इसमें जोड़कर एक भारत को विकास और विशाल बनाने के लक्ष्य में। परसवाड़ा क्षेत्र में ग्राम पटेरा में झारिया रोड पर पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक वलभद्र दुर्भे ग्राम पौंडी निवासी बताया गया है। वह किसी कार्य से पटेरा गया था, वहाँ एक तेज रफ्तार से भाग रही पिकअप ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीण थाना पुलिस द्वारा रेत का अवैध उत्खनन करने वाले कारोबारियों पर कार्रवाई करते हुए 3 डंपर और एक बुलेरो वाहन जब्त किया है। पुलिस द्वारा समनापुर मेन रोड पर नहर पुल के पास ग्राम रोशना की ओर से आते हुए 3 डंपर और एक बुलेरो को रोककर जांच की गई तो तीनों डंपर में रेत पाई गई, वहीं बुलेरो वाहन उनके साथ होना पाया गया। इस वाहन के चालकों के पास संबंधित दस्तावेज नहीं होने पर वाहनों को जब्त कर चालकों को गिरफ्तार किया गया। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विरसा के पास एक 4-व्हीलर से 2.25 करोड़ रुपए के जेवरात जब्त। 2 मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर भाग रहा था इनोवा चालक। पुलिस ने वाहन को रोक कर ली तलाशी तो 2.25 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवर थे इनोवा में। आजाद चौक के पास बुलेरो से भिड़ी स्कूल वैन, आधा दर्जन बच्चे घायल। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की 18 फरवरी को होगी प्रारंभिक परीक्षा। 21 परीक्षा केंद्रों में करीब 10,000 परीक्षार्थी आजमाएंगे भाग्य। प्रशासन ने बनाए 6 उड़नदस्ता टीम। परसवाड़ा के पास पिकअप की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में छात्रों की उमड़ रही भीड़। एयरो मॉडल कार्यशाला में छात्रों ने एयरक्राफ्ट बनाकर आसमान में उड़ाए। किसानों को वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने सिखाई कृषि की तकनीक। रेत का अवैध परिवहन कर रहे 4 वाहन जब्त और स्टेट बैंक में लिंक फेल होने से परेशान होते रहे ग्राहक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं।
तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।